अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वबरकातुहू। जीसस सर, आपसे ये सवाल है। आपने अभी बोले ना कि औरत का बाजार में जाना ठीक नहीं, वो सब बराबर है, लेकिन तो मैं तो घर के साथ सारे काम बाजार से मैं खुद ही करती हूँ। माशाल्लाह सौभर साथ में रहते, मेरे को स्कूटर पे वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन वो बोलते मेरे को बाजार का कुछ समझता नहीं, तुम्हें सब खरीदो। और ये तो शादी जब से मेरी हुई तब से सब जिम्मेदारी मैं ही संभाल रही हूँ। दिमाग में तो ये शरीयत का उसूल सब दिमाग में है, कोई गलत तो नहीं करती मैं, ऐसा सब पर्दे में रहती हूँ, हिजाब में रहती हूँ, अल्लाह ने सब हिदायत, अल्लाह का शुक्र है सब। लेकिन आपने जो बोले ना तो मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। जी जी खाला, वाजे है सवाल। जी शेख देखिए, मैंने ये मुतलक तौर से नहीं कहा कि औरत बाजार नहीं जा सकती, ये मुतलक तौर से मैंने नहीं कहा। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है औरतों के सिलसिले में, वकरना फी बुयूतकुन्ना। अल्लाह ताला ने औरतों को हिदायत दिया कि अपने घर को लाजिम पकड़ो। वकरना, बाज मुफसरीन ने कहा है कि वकरा से वकार से है, यानी वकार के साथ अपने घर के अंदर रहो। बाज मुफसरीन ने कहा है कि ये करार से है, यानी उसी के अंदर जो है लाजिम पकड़ो घर को, बाहर नहीं निकलो। तो औरत का की असल जगह उसका घर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब उसको जरूरत हो तो घर से नहीं निकलेगी। असल घर, असल जगह घर है, जब उसको हाजत हो, जरूरत हो तो घर से निकलेगी। इसीलिए आप गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा हदीसें इस बारे में हैं कि एक औरत की नमाज उसके घर में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस पे गहराई के साथ आप गौर कीजिए कि औरत का उसके घर में रहना हमारी शरीयत की निगाह में कितना ज्यादा अहम है। एक सहाबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इजाजत मांगने आई कि मैं आपके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कायदे से समझाया, कहा तुम्हारे घर के अंदर जो कोना है वहां नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है घर के किसी और हिस्से में नमाज पढ़ने से। घर में नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए बेहतर है अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए बेहतर है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया औरत को, ये नहीं कहा कि तुम्हारा जाना जायज नहीं है, सहाबिया जाती थी, लेकिन ये बताया कि तुम्हारी नमाज घर में ज्यादा बेहतर है। अब आप सोचिए कि नमाज के बारे में कहा जा रहा है कि घर में बेहतर है, अब आप बाजार को जहन में ला करके सोचिए, बाजार में जाने का हुक्म जरूरत के वक्त बिला शुबहा जाना जायज है, लेकिन बिला जरूरत जाना ये कोई मुस्तहसन चीज नहीं है, बल्कि अगर उससे कोई खराबी आने वाली है, और जाहिर है हमारे यहां बाजारों में क्या माहौल होता है बताने की जरूरत नहीं है, बाजारों में मर्दों का चलना मुश्किल होता है, फिर वहां पे औरतें कैसे चलती हैं वो सब जानते हैं। जी बाजार में जाना, जो दुकान के अंदर अजनबी मर्द है बाकायदा उससे बातें करना, कुरान में कहा गया है कि जब अगर कभी जरूरत के वक्त, सख्त जरूरत के वक्त बात करनी पड़े आपको अजनबी मर्द से, तो अपनी आवाज को ऐसे ऐसे करके बात करो, है ना। आप बताइए कि क्या दुकानों में यही होता है, जो भाव ताव मार्केटों में दुकानों में देखते हैं जो लोग भी बाजार जाते हैं वो ये चीजें जानते हैं, क्या यही होता है, कैसे जायज होगा। हम ये कहते हैं बाजार जाना जरूरत के लिए जायज है औरत का, लेकिन जब वो जाती है जरूरत के वक्त तो क्या इन चीजों का ख्याल करती है, क्या उसका शौहर इन बातों का ख्याल करता है, क्या चमड़े से चमड़ा गलियों के अंदर बाजारों की गलियों में नहीं छील रहा होता है, कौन सी जरूरत है भाई जी, ये जी। इसको जरूरत तो नहीं कहते हैं भाई, जरूरत ये है उसका शौहर बाहर कहीं गया हुआ है, घर में सामान नहीं है, जाना उसकी मजबूरी है, ठीक है जाइए आप इज्जत के साथ इस्मत के साथ जाइए, अपने जरूरत का सामान खरीद के आ जाइए, इसकी इसकी ममानियत नहीं है हमारी शरीयत में। ममानियत इसकी है कि उसका मर्द उसको स्कूटर पे बैठा करके उसको गली गली घुमाता फिरे और ये साबित करने की कोशिश करे कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं। गलत ये है, गलत ये है कि उसका शौहर खड़ा रहे दुकान के सामने, उसकी बीवी दुकानदार से भावताव करे और हंस हंस के
उससे रेट कम कराए, ये गलत है। गलत ये है कि सब्जी फरोश के सामने आप झोला टांग करके खड़े रहे, आपकी बीवी उससे भावताव करे, ये गलत है। गलत अगर आपको जरूरत है तो आपका जाना गलत नहीं है, लेकिन आप तय कीजिए कि जरूरत कहां पे है। और ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों को वाजे तौर से फिर बताऊं कि ऐसे लोगों को हमारी शरीयत बेगैरत कहती है। आपको जरूरत है, ठीक है, कोई ऐसा सामान खरीदना है जिसमें जरूरत है आपको बीवी के मशवरे की भी, ठीक है, लेके जाइए, इज्जत के साथ लेके जाइए, है ना। लेकिन आपको आधा किलो टमाटर खरीदना है, उसके लिए भी आपको बीवी को स्कूटी पर बैठा करके ले जाकर के सब्जी मंडी के चक्कर कटवाने हैं, और फिर ये कहना है कि मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखने वाला हूं। भाई उसका, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो उसकी असल जगह है, उस असल जगह से निकाल करके आप उसे बाजारों में भीड़ के हवाले कर रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे आपकी गैरत भी मर जाएगी, एक औरत के अंदर जो फितरी हया और शर्म है वो भी मर जाएगी। फिर कल को चीज आपको बुरी नहीं लगेगी, फिर मेरे जैसा कोई आदमी जब सामने आकर के बोलेगा कि ये खिलाफे गैरत है तो आपको हैरानगी होगी कि ये क्या बोल रहा है भाई। औरत को जब कहा गया कि मस्जिद से बेहतर है कि घर में नमाज पढ़ ले, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बाजार में उसको कब जाना जायज है। तो जाना जायज है जरूरत और हाजत के लिए और दायरे में रहते हुए।